लोगों का स्वागत करते हैं। तो ये देखिए अमनौर पुरवारी पट्टी का ये पोखरा है और टूरिज्म के दृष्टिकोण से ये काफ़ी बेहतर हो गया है पहले से। आप देख सकते हैं कि इसके चारों ओर से एक पगडंडी है और पगडंडी के ठीक किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे और फूल लगे हुए हैं और विशेष करके यहाँ पर बत्तखों और हंस के लिए दाना आप आए तो खिलाएं, ज़रूर खिलाएं। ये देख सकते हैं आज हमें मौका मिला है दाना खिलाने का, तो हम खिला रहे हैं दाना इन लोगों को। दाना खिला रहे हैं, देखिए कैसे मार करते हैं दाना खाने के लिए। छोड़ दो, परेशान मत करो बाबू, खाना खा रहा है सब, छोड़ दो भाग जाएगा। खाने दो, खाने दो। मैं अपने परिवार के साथ, मेरी पुत्री, मेरी ये हम अपने खाने के साथ परिवार को साथ आए हैं, फैमिली के साथ हैं। दादी दादी ना पकड़ो पकड़। तो सभी लोग साथ हैं यहाँ पर, मेरी बेटी है, माँ है, पत्नी है, छोटू है और खुशी है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये माननीय स्थानीय यहाँ के सांसद के द्वारा यह बनाया गया है। तो यहाँ पर हंस के लिए दाना भी, जब भी आए तो यहाँ हंस को दाना खिलाएं। और ये यहाँ पर फॉगिंग करने के लिए लगा हुआ है और काफ़ी पुराना यहाँ कुआं भी है जिसको ये आप लोग देख सकते हैं कि ढका हुआ है। और यहाँ कचरा नहीं हो इसके लिए सांसद महोदय ने डस्टबिन का लगवाया है, डस्टबिन उपयोग करें ताकि इधर उधर कचरा नहीं हो। अब हम चाहेंगे कि अब इधर चलें, इधर 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 चलो, इधर चलो सब। बड़का हंस है का? हाँ है ना। और ये लोग फोटो खिंचवाने में मशगूल है। चलो इधर चलो, इधर ये देखिए बच्चों के लिए कितना मनमोहक लगा हुआ है। चल बोटवा पे, चल एक बार वीडियो स्नैपचैट बना, खूब सुंदर फिल्टर डाल के घाम में सार बोट पर जा तो ही तो आ पानियों धा हमारो थे जाए दो मारी तुम्हारी तो। महाराज आपको लगा हुआ है, जब आप इतना बात बता दिए तो आप घर बताने में क्या तकलीफ है? मेरे को पता है हम जान रहे थे। और बच्चों के खेलने के लिए देखना, आराम से। Okay.